वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा सिविल सेवा परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। देश के सभी प्रतिभाशाली युवाओं का एक सपना होता है कि वो देश की सिविल सेवा में जाएं, और लगभग सभी हम लोगों में इस सेवा के बारे में औसत जानकारियां लगभग सभी को होती हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ खास विशेषताएँ इसकी हैं जो कि हमें, अगर हम इस सेवा में जाने की इच्छा रखते हैं और जाने की रणनीति बनाते हैं, तो उन खास बातों को ध्यान में रखकर अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारी सफलता में काफ़ी इन चीज़ों का योगदान होता है और हम इस परीक्षा में अपना बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सिविल सेवा परीक्षा के जो सामान्य और ख़ास पहलू हैं उन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम इस परीक्षा में जो महत्वपूर्ण पद आते हैं उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि आमतौर पर हमारे बीच ये धारणा होती है कि जो सिविल सेवा है इसके अंतर्गत डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद आता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सेवा के अंतर्गत लगभग 20 प्रकार के ऐसे पोस्ट आते हैं, 20 प्रकार या उससे ज़्यादा पोस्टें आती हैं जो इस परीक्षा के माध्यम से भरी जाती हैं, और इस परीक्षा में चयनित हुए स्टूडेंट्स का उन अलग अलग पदों के लिए चुनाव होता है उनकी मेरिट के आधार पर और उनकी चॉइस के आधार पर। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो पहली हमारी सर्विस है वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और इसमें सेलेक्ट होने वाले प्रशासनिक सेवा में जाते हैं जिनको हम आईएएस के नाम से जानते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दूसरी जो सर्विस है वो इंडियन फॉरेन सर्विस है। इस सर्विस में जो युवा चयनित होते हैं वो भारतीय विदेश मंत्रालय के अंतर्गत जो विभिन्न देशों में हमारे उच्चायुक्त या राजनयिक नियुक्त होते हैं उस पदों पर जाते हैं, तो इस माध्यम से एम्बेसडर बनते हैं या हाई कमिश्नर बनते हैं दूसरे देशों में जो हमारे उच्चायोग या जो हमारे विदेशी संपर्क केंद्र होते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण सेवा है इंडियन पुलिस सर्विस, इसके बारे में सब लोग जानते होंगे। इसमें चयनित लोग आईपीएस के नाम से जाने जाते हैं और ज़िले में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के पद पर नियुक्ति पाते हैं। इसके अलावा इसमें देश की सभी नामी गिरामी और ये क्लास की सेवाएँ शामिल हैं, जैसे इंडियन पीएनटी अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस ग्रुप ए, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रिवेन्यू सर्विस कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रिवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स और उससे संबंधित चीज़ें जो हैं उसमें भी ये क्लास की जो सेवाएँ हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज सर्विस ग्रुप ये, इसमें असिस्टेंट वर्क मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक जो मैनेजर का पद होता है भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वो भी इस परीक्षा के द्वारा भरा जाता है, इंडियन पोस्टल सर्विस ग्रुप ये, इनमें जो हमारी पोस्ट ऑफिस की हैं इनमें जिले लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो भी इस सर्विस के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसमें जिले के डीएम एसपी और भारतीय जो दूतावास हैं उसमें भारतीय विदेश सेवा के रूप में उसके हाई कमिश्नर और राजदूत, साथ ही साथ अकाउंट सेंट्रल टैक्स एक्साइज, इन सभी चीज़ों में इनके जो ये क्लास के अधिकारियों के पद हैं वो इसी सेवा के द्वारा भरे जाते हैं। कुछ और पदों के बारे में देखते हैं, तो इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप ये, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ग्रुप ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है, और ये जो सेवा है वो जो रेलवे विभाग है उसमें मंडल के स्तर पर जो डीआरएम नियुक्त किए जाते हैं वो होते हैं, काफ़ी युवाओं की चॉइस होती है इंडियन रेलवे सर्विस। और रेलवे में ही जो दूसरी सेवा है वो है इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, यानी जो लेखा का काम होता है उसमें ग्रुप ये यानी कि ये वर्ग के जो अधिकारी होते हैं वो इस सेवा से भरे जाते हैं। तीसरी जो रेलवे की है इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, यानी कि जो रेलवे कार्मिक हैं उनकी जो सर्विसेज हैं उनकी देखरेख और उन सबसे संबंधित जो ये क्लास के अधिकारी हैं वो भी इसी परीक्षा से भरे जाते हैं।
अगली जो पोस्ट है, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ में, जो रेलवे प्रोटेक्शन आरपीएफ जो होती है उसमें ग्रुप ए का जो पोस्ट होता है, यानी कि टॉप मोस्ट ऑफिसर रैंक की जो सर्विस होती है वो भी इसी से भरी जाती है। इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस ग्रुप ए, जो भारतीय रक्षा संपदा हैं, जो हमारी फैक्ट्रियां हैं या जो हमारी डिफेंस सेवाओं के अंतर्गत जो संपदा आती हैं जो उनका वो है, उसके अंतर्गत ग्रुप ए के अधिकारी से भरे जाते हैं। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जूनियर ग्रेड ग्रुप ए, इंडियन ट्रेड सर्विस, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस ग्रुप ए, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस ग्रुप ए, और इसके अलावा कुछ सीनियर बी क्लास की सेवाएं भी इनमें आती हैं, जैसे देलही जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दमन दीव दादर नगर हवेली, इनमें जो सिविल सर्विस यानी एसडीएम के पोस्ट होते हैं वो इससे भरे जाते हैं। साथ ही साथ इन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों में जो डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद होता है वो भी इसी के द्वारा भरा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेवाएं हैं, लगभग में 20 या उससे भी अधिक प्रकार की विभिन्न विभागों की सेवाएं ये ग्रेड के अधिकारियों की भरी जाती हैं। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में सीनियर बी ग्रेड की पोस्ट भी इससे भरे जाते हैं। सभी जो ए ग्रेड की सर्विसें हैं सबका ग्रेड लगभग में समान होता है, और जो कैंडिडेट हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनके मेरिट के आधार पर और उनके चॉइस के आधार पर अलग अलग पद उनको अलाट किए जाते हैं। जितना अच्छी मेरिट होगी हमारी उतनी पहले हमारी चॉइस ली जाएगी। तो इस आधार पर इन सेवाओं में जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा है उसमें अगर हम सेलेक्ट होते हैं तो इन सेवाओं में से किसी भी सेवा में हमारी मेरिट के हिसाब से हमें अपना चॉइस करने के लिए हमें स्वतंत्रता मिलती है। अब आइए देखते हैं इसके लिए सामान्य योग्यताएं क्या होती हैं। तो जो सामान्य योग्यता है वो है कि कैंडिडेट को विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना, या सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो जो कैंडिडेट हैं उसे बीए बीएससी बीकॉम या इस तरीके से स्नातक होना जरूरी है। स्नातक स्तर डिग्री स्तर का योग्यता होनी चाहिए, स्नातक होना चाहिए उसको, भारत का नागरिक हो और आयु 21 वर्ष से कम ना हो, 32 वर्ष से ज़्यादा ना हो। ऊपरी आयु की जो सीमा है इसमें अलग अलग प्रकार से छूट दी जाती है, तो आइए थोड़ा विस्तार से इसको देखते हैं। अब यहाँ से कुछ खास जानकारियाँ इसके बारे में शुरू होती हैं। जो ये सेवा है इनमें एक तो एज में छूट दी जाती है, यानी कि जो अपर एज लिमिट है 32 साल की उसमें जो शेड्यूल कास्ट यानी एससी वर्ग के कैंडिडेट हैं या एसटी वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट मिलती है, यानी 32, 5, 37 अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन कंसिडर्ड इफ ए कैंडिडेट्स बिलोंग टू ए शेड्यूल कास्ट आर ए शेड्यूल ट्राइब्स, यानी एससी और एसटी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में 5 साल की छूट मिलती है, और जो ओबीसी वर्ग का कैंडिडेट है उसे मैक्सिमम आयु में 3 साल की छूट दी जाती है। यानी मैक्सिमम आयु जो 32 वर्ष है उनमें ओबीसी कैंडिडेट के लिए 35 वर्ष तक, और जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको 37 वर्ष तक की सेवा, 37 वर्ष तक वो अपना आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें जो है जो हमारे एससी एंड एसटी कैंडिडेट हैं इनको 37 इयर्स, और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं इनको 35 ईयर तक इसमें अपीयर होने की छूट मिलती है। अब इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी ध्यान रखना है कि इनमें अटेम्प्ट दिया जाता है। ए कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 35 ईयर्स ऑन द 1st of August ऑफ द ईयर ऑफ वैकेंसी, यानी 21 वर्ष जिस वर्ष की वैकेंसी होती है, मान लीजिए 2020 की वैकेंसी आ रही है सिविल सेवा परीक्षा 2020, तो 2020 की 1st August को उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए,
और 1 अगस्त को उसकी आयु 32 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सामान्य कैंडिडेट के लिए। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 अगस्त को उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि एससी और एसटी वर्ग के कैंडिडेट के लिए जो 1 अगस्त को आयु है वो 21 वर्ष से कम ना हो और 37 वर्ष से अधिक ना हो, ये कंडीशन है एज को लेकर। साथ ही साथ एज को लेकर जो हमारी आर्मी है वहाँ से जो लोग बीआरएस लेके आते हैं या वहाँ से रिटायर होके आते हैं उनको ही एज में अलग अलग प्रकार से रिलैक्सेशन दिया जाता है। विशेष जानकारी के लिए जो इसका नोटिफिकेशन होता है उसमें डिटेल रूप से आप लोग देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें एज के अलावा अटेम्प्ट निर्धारित होते हैं, ये नहीं कि आप चाहे जितनी बार इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, और यह बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसको ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी रणनीति बनानी चाहिए। इसके लिए आइए हम देखते हैं कि किस वर्ग के अभ्यर्थी को कितने अटेम्प्ट प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें जो है जो अटेम्प्ट होते हैं वो एवरी कैंडिडेट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन शैल बी परमिटेड 6 अटेम्प्ट एट द एग्जामिनेशन। जो सामान्य वर्ग का कैंडिडेट है उसे कुल 6 अटेम्प्ट प्रदान किए जाते हैं, यानी वो 6 बार इस परीक्षा में अपना भाग्य की आजमाइश कर सकता है। अब जो एससी एसटी वर्ग के कैंडिडेट हैं और जो ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको कुछ ज़्यादा अटेम्प्ट प्रदान किए गए हैं, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट विल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट। जो एससी और एसटी वर्ग के कैंडिडेट हैं उनके लिए अटेम्प्ट की कोई सीमा नहीं है, यानी कि वो 21 वर्ष से लेकर और उनके लिए निर्धारित 37 वर्ष की आयु तक जितने भी अटेम्प्ट वो फेस कर सकते हैं वो कर सकते हैं, उनके लिए कोई बंदिश नहीं है, केवल एज की ही बंदिश है। वो जब तक 37 वर्ष के नहीं पूरे हो जाते तब तक वो अप्लाई कर सकते हैं। जबकि जो ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु में कुल 9 अटेम्प्ट प्रदान किए जाते हैं, यानी वो 9 बार इस परीक्षा में शामिल हो सकता है। तो इस तरीके से जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको जनरल कैंडिडेट को कुल 6, जो हमारे एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनको 35 वर्ष तक अनलिमिटेड है, नहीं 37 साल की पूरे होने तक वो अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, केवल एज का इनको रिस्ट्रिक्शन है। और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 35 वर्ष की आयु तक कुल 9 अटेम्प्ट प्रदान किए जाते हैं, 9 बार वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो इस आधार पर इसको ध्यान में रखते हुए अपने अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए हमें उस हिसाब से तैयारी करके ही इस परीक्षा में बैठना चाहिए ताकि हम अपने अटेम्प्ट के अंदर ही इसमें सफल हो सकें। अब आइए देखते हैं कि इनमें आवेदन कैसे करते हैं। तो आवेदन करने के लिए जो इसकी संस्था है उसको उसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी। ये देश की एक महत्वपूर्ण संस्था है, यूनियन पब्लिक कमीशन इसको कहा जाता है। ये जो है यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दिल्ली में स्थापित है और यह एक स्वायत्त शासी संस्था है, सुप्रीम कोर्ट की भांति यह एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि यह बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बिना किसी दबाव के, सरकारी दबाव के या बाह्य हस्तक्षेप के अपना काम करती है और देश में जो चुनिंदा प्रतिभाएं हैं उनको देश सेवा के लिए उनका चुनाव करती है। तो ये जो है प्रत्येक वर्ष इसका नोटिफिकेशन निकालती है इस परीक्षा का, और जब यह इसका नोटिफिकेशन आ जाता है तो इसकी जो वेबसाइट है यूपीएससी ऑनलाइन एनआईसी पर जाके यहाँ पर हम ऑनलाइन जाके और अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
इसके लिए जो है ऑनलाइन हमें अपना फॉर्म भरना होता है और जनरल और ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट को 100 रुपये जो फीस है वो जमा करनी होती है। ये फीस हम ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा कर सकते हैं, तो 100 रुपया पड़ता है। बाकी जो है जो हमारे एससी कैंडिडेट हैं एसटी कैंडिडेट हैं उनको केवल 50 रुपये इसकी फीस जमा करनी होती है। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर अवेलेबल ऑन द अबव मेंशन वेबसाइट। और इसके बारे में अगर हम ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो कभी भी इस साइट पर जाकर हम जो सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन है उसको देख सकते हैं, उस पर हमें डिटेल जानकारी इसकी मिल जाएगी। मोटे तौर पर ये मान लीजिए कि जब इसका नोटिफिकेशन आता है उससे लेकर अगले 1 महीने तक ऑनलाइन फॉर्म इसके भरे जाते हैं। एक आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है जिनमें आधार कार्ड वोटर कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस ये सारी चीज़ों की कि एक रेफरेंस के रूप में वो यूज किया जाता है, तो इनके साथ हम इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही नाम मात्र फीस की ज़रूरत होती है इसमें। सबसे बड़ी देश की सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में सबसे नॉमिनल फीस में जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के बाद आइए हम देखते हैं कि इसका परीक्षा प्रणाली कैसी होती है, कैसे परीक्षाएं होती हैं और किन चरणों में होती हैं। द सिविल सर्विसेज एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ 2 सक्सेसिव स्टेज। जो सिविल सर्विस की परीक्षा है ये 2 चरणों में संपन्न होती है। पहली परीक्षा को हम कहते हैं सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होती है। और दूसरी जो परीक्षा होती है उसको हम कहते हैं सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन, ये जो है लिखित परीक्षा होती है और इसी के साथ जुड़ा होता है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो सबसे पहले जब हम इसके लिए अप्लाई करते हैं तो हमें इसके पहले स्टेज की परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जिसको आमतौर पर प्री एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता है उसमें अपीयर होना पड़ता है और इसके आधार पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। यानी कि ये मान लीजिए कि प्रत्येक नोटिफिकेशन में हर साल लगभग में पूरे देश से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए 5 से 6 लाख इतने कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और जो सीटें आती हैं वो लगभग में 1000 कुछ कम या ज़्यादा हो सकती हैं, इतनी वैकेंसियाँ होती हैं 1000 सीट्स होती हैं। तो इतनी सीट के लिए जो है वो 5 से 6 लाख कैंडिडेट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं और लगभग में 4 लाख 4.5 लाख कैंडिडेट एक्चुअल में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देते हैं। कुछ लोग अप्लाई करने के बाद नहीं भी बैठते, लेकिन ये मान के चलिए कि प्री एग्ज़ाम में हमें 5 से 6 लाख कैंडिडेट के बीच कंपटीशन करनी होती है। और इसके बाद प्रत्येक सीट यानी कि अगर 1000 सीट है तो इस पर लगभग में 6 या 7 गुना कैंडिडेट जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। यानी 1000 सीटों में मेन एग्ज़ाम के लिए हमें 6000 से लेके 7000 तक कैंडिडेट मेंस के लिए कॉल किए जाते हैं। मेंस परीक्षा के लिए इतने कैंडिडेट यानी कि ये जो 5-6 लाख कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था और लगभग 4 लाख ने जो परीक्षा दी, इसमें 4 लाख में से 6 से 7 हज़ार में अपना स्थान हमें बनाना होता है। अब 6 से 7 हज़ार जो है ये मेन एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं और मेन एग्ज़ाम की जो मेरिट बनती है उनमें कुल आधे यानी कि लगभग में 3000 कैंडिडेट, अगर 1000 सीट है तो 3000 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। ये 3000 कैंडिडेट जो है वो साक्षात्कार के लिए जाते हैं और फिर इन 3000 कैंडिडेट का जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं और मेंस के मार्क्स हैं उनको जोड़ के इंटरव्यू प्लस मेंस के आधार पर मेरिट बनती है और इस मेरिट के आधार पर कुल 1000 कैंडिडेट यानी नंबर ऑफ सीट्स जितनी है उतने कैंडिडेट सेलेक्ट घोषित किए जाते हैं। तो इस आधार पर ये पूरा प्रारूप है,
इस परीक्षा में और इसमें सफल होने का। अब आइए देखते हैं कि प्री परीक्षा हमारी कैसी है और इसके लिए हमें क्या रणनीति बनानी होती है। प्री एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ टू पेपर्स। जब हम अप्लाई कर लेते हैं और प्री परीक्षा के लिए जाते हैं तो प्री परीक्षा में कुल दो पेपर होते हैं और इनमें से प्रत्येक पेपर 200 मार्क्स का होता है। इनमें से जो पहला पेपर है ये ही जो है वो हमारा मेरिट यानी शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कंसीडर किया जाता है। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए केवल ये पेपर कंसीडर किया जाता है। दूसरा जो है ये लैंग्वेज का होता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, इनके आते हैं और ये भी 200 मार्क का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ये सारे के सारे जो दोनों पेपर हैं ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन इस पेपर में हमें कुल 33% मार्क्स लाने होते हैं और जब हमारे ये 33% मार्क्स आ जाते हैं तभी हमारा ये सेकंड जो है वो कंसीडर किया जाता है। अदरवाइज जो हम फर्स्ट पेपर में कितने भी मार्क्स ला लें, अगर हम सेकंड पेपर में 33% मार्क्स नहीं लाते तो हमें फिर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा इस पेपर का कोई महत्व नहीं होता, यानी कि अगर हम 33% मार्क्स इसमें ला लेते हैं तो हमारी एक बाधा पार हो जाती है और ये जो है हमारा इसके आधार पर ही हमारे जो है शॉर्ट लिस्टिंग होती है, मेरिट बनती है, तो उनमें जो है मेंस के लिए कैंडिडेट इनमें से सेलेक्ट किए जाते हैं। और इस परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा है इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि 1/3 निगेटिव मार्क दिए जाते हैं, यानी कि अगर हम 3 क्वेश्चन गलत करते हैं और 1 प्रश्न सही करते हैं तो इस 1 प्रश्न का मार्क भी घटा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, यानी कि 1/3 एक प्रश्न गलत करने पर 1/3 अंक हमारे ऋणात्मक हो जाते हैं, जो अंक हमें मिला है उससे और घटा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से प्री परीक्षा के लिए हमें ठोस रणनीति बनानी चाहिए और इसके लिए प्रैक्टिस और अच्छी तैयारी होनी जरूरी है। क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए जिनमें हमें कॉन्फिडेंस हो, और जिनमें थोड़ा कम कॉन्फिडेंस है और जिनमें हमें थोड़ा सस्पेंस है उनको एक सीमा तक ही हम टच कर सकते हैं, और उनमें सस्पेंस का लेवल कितना है इसके आधार पर भी हमें उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करना चाहिए। यानी कि अगर हम उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हैं, भले ही 100% क्लियर ना हो लेकिन 80% क्लियर हैं, तभी ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करने चाहिए, अदरवाइज हमें नुकसान हो सकता है। अब इस आधार पर जब हम प्री के लिए कंसीडर कर दिए जाते हैं तो आइए देखते हैं अब मेंस में क्या करना होता है। तो जो कैंडिडेट प्री में क्वालिफाई किए जाते हैं उनको फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से एक फॉर्म आता है, डिटेल फॉर्म आता है, काफ़ी विस्तृत फॉर्म होता है और उसको फिल करना होता है दूसरे चरण के लिए। ये फॉर्म भर के कमीशन जाता है और फिर वह उन कैंडिडेट को अगले चरण के लिए मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। मेंस एग्जाम में मेंस एग्जाम्स कंसिस्ट ऑफ टोटल 9 पेपर्स। जो मेन परीक्षा है इनमें कुल 9 पेपर होते हैं और इन 9 पेपर्स में जो 2 पेपर हैं वो हमारे लैंग्वेज के होते हैं। इनमें जो पहला पेपर है वो जनरल हिंदी, जो हिंदी भाषी लोग हैं, यानी असल में जो पहला पेपर है वो हमारा जो हमारी अनुसूची 8 है, शेड्यूल 8 है, इसके बारे में हमने शेड्यूल के बारे में एक पहले से वीडियो डाला है, उसको जनरल स्टडी सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो जो शेड्यूल 8 में 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा को हमें चुनना होता है और उसका हमें एग्ज़ाम देना होता है। आमतौर पर जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं उसके कैंडिडेट हिंदी चुनते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत हम असम,
तमिल, तेलुगु, मैथिली, जो भी इस तरीके की भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा का चुनाव अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। 300 मार्क्स का होता है और इसमें भी हमें कुल 33% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि मेरिट में ये कंसीडर नहीं किया जाता। दूसरा पेपर कंपलसरी है जनरल इंग्लिश का, सबको ये देना होता है और इसमें भी केवल 33% मार्क्स लाने होते हैं। ये भी जो है केवल क्वालिफाइंग है, यानी मेरिट में ये जो पहले और दूसरे पेपर्स के मार्क्स हैं ये कंसीडर नहीं किए जाते। अब इन दो पेपर के आगे जो पेपर शुरू होते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें पहला है निबंध का, यानी एस्से का, ये है 250 मार्क्स का और 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे में हमें ये करना होता है, एक दिन में होता है ये, किसी एक विषय पर समसामयिक एस्से लिखना होता है। दूसरा जो पेपर है आगे का वो है जनरल स्टडी फर्स्ट, जनरल स्टडी सेकंड, जनरल स्टडी थर्ड, जनरल स्टडी फोर्थ। इनमें प्रत्येक पेपर 250-250 अंक का होता है। ये सभी जो है वो मेरिट में जुड़ते हैं। इसके अलावा जो 8वां और 9वां पेपर है वो किसी एक ऑप्शनल विषय का चुनाव हमें करना होता है और उस ऑप्शनल विषय के 2 पेपर होते हैं, ये भी 250-250 अंक के होते हैं। इस प्रकार जिनकी मेरिट बननी होती है, यानी एस्से और 4 जनरल स्टडी के पेपर, 2 ऑप्शनल के पेपर, इन सब को मिला के कुल जो इनका टोटल मार्क है वो है 1750 का। 1750 नंबर जो है वो हमें 1750 नंबर में हमें परीक्षा देनी होती है और इतने में ही जो है वो मेरिट का निर्धारण होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि जो ऑप्शनल पेपर है हमारे, ये जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो सब्जेक्टों की एक लिस्ट जारी करता है और उनमें से कोई भी एक विषय का चुनाव हम कर सकते हैं, एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। कुछ कैंडिडेट को इस बारे में लेके भ्रम होता है कि वो जिस विषय में स्नातक हैं उसी विषय से एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्नातक होना केवल आपकी शैक्षणिक योग्यता है, आप किस विषय से परीक्षा देंगे उसका, आपने स्नातक किस विषय से कंप्लीट किया है उससे कुछ लेना देना नहीं है। आगे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें से किसी एक विषय का चुनाव हम कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी जूलॉजी, बॉटनी से बीएससी करके आता है और वह इस परीक्षा में शामिल होना चाहता है, तो जरूरी नहीं है कि वो जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री से ही परीक्षा दे। वो चाहे तो हिंदी से परीक्षा दे सकता है, वो चाहे तो हिस्ट्री से परीक्षा दे सकता है, वो चाहे तो ज्योग्राफी से परीक्षा दे सकता है। और ये मान के चलिए कि लगभग 50% कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं, लेकिन इस परीक्षा में आने के बाद वो सब्जेक्ट अपना चेंज कर लेते हैं और कितने इसमें बदले हुए सब्जेक्ट के साथ सफल भी होते हैं। ऐसे सक्सेसफुल कैंडिडेट की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है उनकी तुलना में जो साइंस के सब्जेक्ट से ही इस परीक्षा में शामिल होते हैं। ये एक खास बात है जिस बात को जाननी चाहिए, क्योंकि जो नए कैंडिडेट होते हैं वो अक्सर अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो वो आके उनको लगता है कि नया विषय लेने में हमें नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सिविल सर्विस परीक्षा की इस खास बात को ध्यान में रखिए, यहाँ पर सामान्य परीक्षा नहीं होती, बल्कि आपका जो विषय है उसके बारे में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और अच्छी पकड़ तभी बनेगी जब आपको उस विषय में इंटरेस्ट हो, वो आपके लिए इजी हो और आप उसको हर एंगल से उसकी स्टडी करने की क्षमता रखते हो। तो ऐसे में साइंस के जो विषय हैं वो थोड़ा सा कठिन होते हैं और इसमें मेरी पर्सनल सलाह ये होगी कि अगर आपको कहीं भी डाउट है साइंस के विषय को लेके कि इसमें हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या आप
एकेडमिक रूप से भी अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं, तो ऐसे में विषय चेंज करके आर्ट के विषय जो आपके रुचि के हिसाब से हों वो लेना ज़्यादा अनुकूल होता है। शुरू में ही विषय बदल लेना भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं कि पहले वो एक दो साल अपने विषय से ट्राई करते हैं और जब उसमें काफ़ी मेहनत के बाद भी उपयुक्त नंबर नहीं आते तो फिर वो विषय बदल के इस परीक्षा में भाग लेते हैं। इसमें दो नुकसान होता है, एक तो समय बर्बाद होता है और दूसरा जो है वो आपका अटेम्प्ट भी चला जाता है और आप थकते हैं। तो इसलिए हमने पहले भी इस वीडियो के शुरुआत में भी कहा था कि तैयारी करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि शुरू में ही इसकी एक ठोस रणनीति बनाना और जो अनुभवी लोग हैं उनसे इसकी इनसे परामर्श लेना। हमारे चैनल पर भी इस परीक्षा के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही साथ मेरे नंबर पर, मेरे ईमेल आईडी पर और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी उत्सुकताओं को भेज सकते हैं, यथासंभव आपकी मदद की जाएगी। तो यह है, आप किसी भी विषय का चुनाव कर सकते हैं। एक खास बात और बता दें जो कि विशेष है, वो ये कि यहाँ पर जो परीक्षाएं होती हैं वो प्रत्येक दिन यानी पर डे 2 पेपर और प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होता है, यानी कि 6 घंटे आपको एग्जाम देने होते हैं। तो ये भी बात आपको खास ध्यान रखनी है कि अगर आप मान लीजिए जूलॉजी लेते हैं या बॉटनी लेते हैं या केमिस्ट्री लेते हैं या कोई भी ऐसा विषय लेते हैं तो उस पूरे सब्जेक्ट को आपको एक ही दिन में उसकी परीक्षा देनी होती है, यानी कि उस पूरे टॉपिक को आपको एक दिन में ही रिमाइंड करके जाना होता है। ये बात भी इसमें खास माने रखती है, यानी कि जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश एक दिन में होगा, ईएसए का पेपर जो होता है वो जो अगला दिन होता है उसमें केवल होता है, यानी कि ईएसए सुबह की मीटिंग हो जाती है और सेकंड मीटिंग आपको छुट्टी मिल जाती है, फिर जनरल स्टडी शुरू होते हैं और दो दो पेपर एक दिन में होंगे, दो दो ये और दो दो ये। तो इस तरीके से ये पूरी परीक्षा में आपको 1, 2, 3, 4 और ये 5 दिनों में कंप्लीट हो जाती है, 5 दिन में ही आपको ये पूरी परीक्षा देनी होती है। तो ये भी ध्यान में रख के चलना होता है, क्योंकि आम तौर पर परीक्षा कितना प्रभावित करती है, कितना श्रमकारी होती है ये हम लोग जानते हैं, और ऐसे में दो दो पेपर को दिमाग में रख के जाना, तो इस हिसाब से हमें अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। इसके लिए देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है और प्रत्येक समाज, प्रत्येक गांव, प्रत्येक कस्बा ये चाहता है कि उनका बच्चा, उनके समाज का बच्चा, उनके क्षेत्र का बच्चा इस प्रतिष्ठित सेवा में जाए और उस जिले का, उस क्षेत्र का नाम रोशन करे। तो काफ़ी प्रतिष्ठा की बात होती है ये, ना केवल एक करियर के रूप में बल्कि आपके लिए चुनौती के रूप में, उन लोगों के लिए जो देश के लिए, समाज के लिए, इतिहास के लिए कुछ करना चाहते हैं। मतलब इसमें केवल रोजी रोटी की का एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि आप देश सेवा के लिए और अपना नाम इतिहास में स्थापित करने के लिए ये सेवा है। तो निश्चित रूप से इतनी प्रभावी सेवा होने के लिए हमें मेहनत भी काफ़ी करनी पड़ती है, काफ़ी जो प्रतिभाशाली हैं वो लोग इसमें जाते हैं। लेकिन एक बात और बता दें कि प्रतिभा जन्मजात नहीं होती है, हार्ड वर्क यानी कि कठिन परिश्रम और लगन से हर चीज़ हासिल किया जा सकता है। आपके अंदर सफल होने का जुनून होना चाहिए। कई ऐसे साधारण कैंडिडेट इसमें सफल हुए हैं जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी औसत रहा है, गांव से रहे हैं, देहात से रहे हैं, सामान्य परिस्थितियों से रहे हैं, लेकिन उनके अंदर का लगन, परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति उनको इस परीक्षा में सफल बनाता है। एक समय था जब इस परीक्षाओं में सीटें बहुत कम आया करती थी, 250-300, तब भी कैंडिडेट जो रूरल एरियाज हैं, गाँव से, तहाँ से सफल होते थे। और आज के समय में स्थिति काफ़ी अच्छी है, 2-3 गुना सीटें आ रही हैं और आगे भी आने, इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। आज पढ़ने पढ़ाने के साधन काफ़ी अच्छे हैं। एक समय था कि जब इस परीक्षा से संबंधित कोचिंग और दूसरी सहायता बड़े बड़े कस्बों में उपलब्ध थी और आम लोगों के क्षमता से बाहर हुआ करता था, केवल संभ्रांत परिवार के बच्चे ही
इसमें मदद के लिए अच्छे से जो शहरों में जा पाते थे, लेकिन आज आप YouTube के माध्यम से बाकी दूसरी चीज़ों के माध्यम से घर बैठे केवल आपको मेहनत करनी है, आपको सारी इससे संबंधित जानकारियां मिल जाएंगी और आप इससे संबंधित अपना भाग्य आजमा सकते हैं। एक और ख़ास बात कि इसमें अगर आप तैयारी में लगते हैं तो इसका स्टैंडर्ड इतना अच्छा है कि इसमें जो आपने मेहनत की है वो बर्बाद नहीं जाती। मान लीजिए कि किसी कारणवश इसमें हमें फाइनल सफलता नहीं भी मिलती तो जो उसके पैरेलल एग्ज़ाम हैं, जैसे लेक्चरर का एग्ज़ाम है, हायर एजुकेशन में एग्ज़ाम है और बाकी जो जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हैं यानी प्रदेश की जो सेवाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो जाते हैं, यानी मेहनत बर्बाद नहीं जाती। जो भी इसमें लग के मेहनत करता है वो कहीं ना कहीं सफल होता है। आइए अब इसके, ये तो रही मेन परीक्षा की बात, अब इससे आगे बढ़ते हैं और साक्षात्कार के बारे में देखते हैं। तो जो इंटरव्यू है यानी साक्षात्कार विल बी हेल्ड इन दिल्ली, ये जो साक्षात्कार होता है इसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, ये दिल्ली में होता है और उन्हीं कैंडिडेटों को बुलाया जाता है जो मेंस में शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। कुल ये 275 नंबर का होता है, यानी कि मेंस का जो था वो 1750 का और पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू जो है वो 275 का, यानी टोटल मार्क्स जो हमारे हुए वो है 2025 मार्क्स का पूर्णांक है जिनमें हमें मेरिट बनानी होती है। और आप जान के आश्चर्य करेंगे कि इस 2025 मार्क्स में 1200 के आसपास जो मार्क्स लाते हैं वो फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि वो जो फाइनल मेरिट बनती है मेंस और इंटरव्यू के बाद उनमें उनको सिलेक्शन किसी ना किसी पद पर उन्हें मिल जाता है, यानी कि लगभग जो है वो 60% मार्क्स या मतलब ये तो मैं एवरेज कह रहा हूँ 57 से अबव, ये जो है सामान्य जो जानकारी है मुझे उसके हिसाब से 57% के ऊपर मार्क लाने वाले कैंडिडेट जो है वो सफल हो जाते हैं, उनको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाती है। इसके ऊपर जितना मार्क्स आप लाते हैं उसने हिसाब से आपको अच्छी चॉइस करने का मौका मिलता है। तो मतलब यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि मेहनत करके इसमें सफल हुआ जा सकता है। एक और ख़ास बात है जिसको हमें जानना चाहिए वो है लैंग्वेज का। लैंग्वेज का मतलब यह है कि जो ये परीक्षा है वो आप जो हमारी 8th शेड्यूल है अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषा में ये परीक्षा दे सकते हैं। जो प्री एग्ज़ाम होता है वो उसके पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेट होते हैं, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। ये दोनों में होते हैं, लेकिन जो मेंस है पेपर तो उसके भी दोनों में सेट होते हैं, लेकिन उत्तर जो लिखना है उसके लिए आपको मेंस के फॉर्म में क्लियरली बताना पड़ता है कि आपको जो ये 22 भाषाएं हैं इनमें से किस भाषा में, इनमें से किस भाषा में आप मेंस का आंसर लिखेंगे। पेपर तो हिंदी और इंग्लिश में होते हैं लेकिन आंसर जो है वो मेंस का वो किसी एक भाषा में, जिसमें 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में आपको उत्तर लिखना होता है। अब अगर आप इसमें हिंदी का चुनाव करते हैं तो जो हम लोगों ने आगे के पेपर देखे हैं उनमें से जो मेरिट वाले जितने भी पेपर हैं उन सबको आपको हिंदी में लिखना होगा, यानी कि यहाँ पर ये क्लियर करना ज़रूरी है कि कुछ साइंस के स्टूडेंट वो मान लीजिए साइंस का विषय अपने ऑप्शनल के रूप में लेते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शनल का आंसर इंग्लिश में लिखेंगे और जनरल स्टडी और यस्से हिंदी में लिखेंगे। आपको अगर हिंदी का चुनाव करते हैं तो यस्से, जनरल स्टडी और ऑप्शनल सारे पेपर हिंदी में लिखना होगा, और अगर इंग्लिश का चुनाव करते हैं तो सारे पेपर इंग्लिश में लिखने होंगे। और एक बात, अगर हम हिंदी भाषा का चुनाव करते हैं तो हम जो है अपना मेंस का पेपर हिंदी में लिख सकते हैं और साक्षात्कार भी वो हिंदी में दे सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश किसी में दे सकते हैं, यानी कि हिंदी में दे सकते हैं
या इंग्लिश में दे सकते हैं। लेकिन अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को चुनते हैं अपने आंसर के लिए, तो इंटरव्यू जो है वो ओनली इंग्लिश में होगा, फिर आपको हिंदी का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। यानी तब आपका जो इंटरव्यू है, अगर आपने मेंस के सारे पेपर इंग्लिश में लिखे हैं, यानी मेंस के लिए आपने इंग्लिश माध्यम का चुनाव किया है, तो आपको इंटरव्यू भी इंग्लिश में देने होंगे। लेकिन अगर आप मेंस में हिंदी का चुनाव किए हैं, तो इंटरव्यू के लिए आपका ऑप्शन होगा, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। तो ये भी ज़रूरी है, कभी कभी साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट साइंस विषय ले लेते हैं, उनके सामने ये समस्या खड़ी हो जाती है, अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है, एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, तो आगे उनके लिए इस मामले में भी समस्या होती है कि अब वो क्या करें। या तो वो पूरा अपना पेपर हिंदी में लिखें जो ऑप्शनल का है, और जो या तो फिर वो पूरा का पूरा इंग्लिश में करें। तो इस हिसाब से भी हमें अपने ऑप्शनल विषयों का के चुनाव की रणनीति तैयारी में बनानी चाहिए, जो हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल हो। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हैं, इनके समय क्या क्या हैं, किन समय पर ये परीक्षाएं, इनसे संबंधित इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं। तो जो नोटिफिकेशन है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि वैकेंसी आ गई, नोटिफिकेशन का एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन वो फरवरी फर्स्ट वीक में आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, जो रोजगार समाचार है वो फरवरी के प्रथम सप्ताह का जो अंक है उसमें ये जो है इसकी विज्ञप्ति जारी होती है। और वहाँ से जो है इसका फॉर्म उस हफ्ते से ऑनलाइन फिलअप होना शुरू हो जाता है, और अगले एक महीने तक, यानी ये विज्ञप्ति एम्प्लॉयमेंट न्यूज में प्रकाशित होने के अगले एक महीने तक ये जो है फॉर्म हम भर सकते हैं ऑनलाइन यूपीएससी की साइट पर जाकर, जिसको हमने पहले ही पेज में बताया था, जो हमारा www.upsc, इस पर जाके जो है, इस साइट पर जाके हम अपना जो है उसको फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जब फॉर्म भर दिया जाता है, तो जो प्री एग्जाम है हमारा, वो मई के महीने में संपन्न होता है। विशेष परिस्थितियों में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, यानी कि मई की जगह पर जून में भी हो सकता है, लेकिन औसत रूप से यह मई के महीने में होता है, मई में ये परीक्षा संपन्न हो जाती है। इसके बाद जो प्री का रिजल्ट है वो अगस्त फर्स्ट वीक तक आ जाता है, अगस्त फर्स्ट वीक तक या अगस्त तक, ये मान लीजिए कि ये इसका जो रिजल्ट है वो आ जाता है। इसका रिजल्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी आता है, और ऑनलाइन इसकी साइट पर जाकर हम देख सकते हैं। इसके बाद जो कैंडिडेट प्री में सेलेक्ट किए जाते हैं, उनको कमीशन फॉर्म भेजता है ट्रेडिशनल प्रकार का, और पेपर वाली फॉर्म उसको फिलअप करना होता है, कई पन्नों का फॉर्म होता है। तो ये जो है कैंडिडेट को एक गजट के साथ आता है, जिसमें इस सेवा से संबंधित डिटेल में जानकारियां होती हैं, कौन कौन से पद हैं, उनकी सेवा शर्तें क्या हैं, उनके पे ग्रेड क्या हैं, ट्रेनिंग कैसी है, बाकी जो कंडीशन है वो कैसे हैं, बहुत डिटेल में जानकारियां होती हैं। और उसमें जो है कम से कम 19-20 पेज का फॉर्म होता है ये, तो उसमें बहुत ही सूक्ष्म तक जानकारियाँ बहुत डिटेल में आपसे ली जाती हैं, आपकी हॉबी, माता पिता के बारे में, व्यवसाय के बारे में, पिछले एग्जाम्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो भरने के बाद आपकी चॉइसेस ली जाती हैं, सिलेक्ट होने के बाद जो अभी आगे हम लोगों ने लगभग में 20 प्रकार की सर्विसें देखी थी, उनमें से आपकी चॉइसें किस क्रम में होंगी, यानी सबसे पहली चॉइस आपकी क्या होगी, दूसरे नंबर पर क्या होगी, इन सबको भराया जाता है। और ये फॉर्म भरने के बाद अगस्त यानी अगले लगभग में 20-25 दिनों का मौका होता है, तब तक आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट सहित उसको भर के वो कमीशन को भेजते हैं। लगभग में 15 या 20 दिन का मौका मिलता है इसमें। फिर उन फार्मों को कमीशन अपना प्रोसेसिंग करता है, और जो फॉरवर्ड फार्म होते हैं, यानी जिनमें किसी जो
जिनमें सारे डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं, हर तरीके से जो व्यवस्थित होता है, ऐसे कैंडिडेट को फिर उन्हें अक्टूबर में मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है, यानी कि अक्टूबर महीने में जो है वो हमारी मेंस परीक्षा संपन्न होती है। ये अक्टूबर का जो महीना है इसमें मेंस होता है। मेंस होने के बाद फिर अगले वर्ष यानी कि जो अगला मार्च आता है अक्टूबर के बाद, उसमें मेंस का रिजल्ट आता है, रिजल्ट ऑफ मेंस एग्ज़ाम, ये मार्च में आता है। और इसके बाद मार्च के बाद जो अगला महीना होता है अप्रैल और मई का, इसमें इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किए जाते हैं देलही में। ऐसे कैंडिडेट को अलग अलग डेटों पर कॉल किया जाता है और उनके इंटरव्यू संपन्न किए जाते हैं। मई फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक इंटरव्यू संपन्न हो जाते हैं और इसके बाद जो थर्ड वीक है या लास्ट वीक तक इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरीके से फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आता है अगली फरवरी, और मार्च अप्रैल मई यानी लगभग में 15 महीने में यह पूरी परीक्षा कंप्लीट हो जाती है। और एक खास बात और है कि इस परीक्षा में ज़्यादा विलंब नहीं होता, यह अपने शेड्यूल से ही होती है। यानी कि बहुत सारी परीक्षाओं में हम लोग देखते हैं कि आया और तीन तीन साल तक, चार चार साल तक तो लटके पड़े रहते हैं, उनमें कोई रिजल्ट नहीं आता। ऐसा इनमें नहीं है, ये हर साल ये परीक्षा ऑर्गेनाइज होती है और समय पर इसके सारे इवेंट्स होते रहते हैं, यानी कि 15 महीने में आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। अब आइए विषय देखते हैं जो हम इसमें ऑप्शनल विषय का चुनाव करना होता है। इधर के कुछ सालों में ये बदलाव किए गए हैं। पहले प्री जो परीक्षा होती थी उनमें दो पेपर हुआ करते थे, एक जनरल स्टडी का और दूसरे में एक कोई ऑप्शनल विषय का चुनाव करना होता था। इन दो पेपर के आधार पर प्री में शॉर्ट लिस्ट किए जाते थे। इनमें बाद में बदलाव हुआ, अब प्री से ऑप्शनल के पेपर हटा दिए गए हैं, केवल मेंस में है। पहले मेंस एग्जाम में दो ऑप्शनल पेपर हुआ करते थे और जनरल स्टडी के केवल दो पेपर होते थे। अब नए बदलाव के अंतर्गत ऑप्शनल का केवल एक पेपर होता है मेंस एग्जाम में और जनरल स्टडी के दो नए पेपर बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि जीएस के अब कुल मिला के चार पेपर और ऑप्शनल के कुल मिला के दो पेपर होते हैं। तो ये सारे विषय हैं जिनमें से कोई एक विषय हम अपनी सुविधा के हिसाब से उनका चुनाव कर सकते हैं, जिनमें हमारी रुचि हो और जिनमें हमें पकड़ हो। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री, आप चाहें तो हिस्ट्री का चुनाव कर सकते हैं, काफ़ी लोकप्रिय विषय रहा है। हिस्ट्री से जो है बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट वो हिस्ट्री ले लेते हैं और इस विषय से बैठते हैं। इसके अलावा लॉ है जो विधि है, मैनेजमेंट का जो है वो आप ले सकते हैं, मैथमेटिक्स का चुनाव कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है यानी इंजीनियरिंग के सारे विषय हैं इसमें, मेडिकल साइंस को भी हम ले सकते हैं। जो MBBS कैंडिडेट हैं वो चाहें तो ये अपने विषय मेडिकल साइंस में जो पढ़े हैं उसके साथ इसमें बैठ सकते हैं या अपना विषय बदल सकते हैं। फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये इंटरनेशनल रिलेशन है। तो राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये भी एक विषय होता है इसके साथ। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी और जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के साथ इन विषयों में से अपनी सुविधा के अनुसार हम किसी एक विषय का चुनाव कर सकते हैं। इसमें इस बात का कोई बंदिश नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन या स्नातक किस विषय से किया है। इनमें से कोई भी विषय हम अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं। और इनमें से हम एक टिप्स दे दें कि अभी तक के जो विषय रहे हैं उनमें जो है फिलॉसफी यानी कि फिलॉसफी और एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ये
जो है दो तीन विषय ऐसे हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी काफ़ी लोकप्रिय विषय रहे हैं और ज़्यादातर कैंडिडेट इन्हीं विषयों से जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं वो भी अपना विषय बदल के इन विषयों से तैयारी करते हैं, क्योंकि इनमें ये थोड़ा सा पढ़ने में लंबे समय में हमें इनमें उबन कम होती है। सामाजिक विषय होते हैं तो ये हम आसानी से लंबे समय तक पढ़ के इसमें अच्छी पकड़ बना लेते हैं। लेकिन फिर ये बात मैं दोहराना चाहूँगा कि आपको जिसमें कॉन्फिडेंस हो, जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, वो विषय लेना चाहिए, क्योंकि साइंस के विषय से भी बहुत सारे कैंडिडेट जूलॉजी, बॉटनी और कई ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग के विषय से उन्होंने टॉप किया है, यानी टॉप 10 में उनकी रैंकें आई हैं। तो अगर हम साइंस में इस बात का निर्धारण हो जाता है, एकेडमिक में भी अगर आप एकेडमिक में अच्छा प्राप्त करते रहे हैं तो यहाँ भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एकेडमिक में कोई दूसरा मापदंड है और यहाँ कोई दूसरा मापदंड है। अगर आप तमाम प्रयासों के बाद भी एकेडमिक में अच्छे नंबर नहीं उठे हैं, किसी एक परीक्षा का नहीं बल्कि आपने इंटरमीडिएट से लेके और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, तो इन सारे एग्जामों में औसत अगर किसी एक में, तो हो सकता है किसी वर्ष कुछ गड़बड़ हो गया हो, आपके नंबर कम आए हों, लेकिन औसत रूप से अगर सारे वर्षों में आप हमें कम नंबर मिले हैं तो निश्चित रूप से इसका मतलब ये है कि उस विषय में कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमजोरियाँ हैं जिस वजह से हमें अच्छे नंबर नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखे ही हमें इनमें से किसी एक विषय का चुनाव करना चाहिए। अब हम देखते हैं जो परीक्षा केंद्र हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहले प्री का परीक्षा केंद्र देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और इसमें हम चर्चा करना भूल गए कि इसके अलावा जो दो विषय हमने नहीं लिखा है वो है कि जो आठवीं अनुसूची की 22 भाषाएं हैं, जो 8th अनुसूची है हमारी उसकी जो 22 भाषाएं हैं, उनमें से भी किसी को आप एक ऑप्शनल विषय के रूप में चुन सकते हैं। जैसे कि ये विषय जो है वो तो है ही, इसके अलावा आप हिंदी, ये एक भाषा है, संस्कृत, ये भी उर्दू, इसको भी ऑप्शनल विषय के रूप में ले सकते हैं। और हिंदी भी काफी लोकप्रिय रही है, बहुत सारे लोग वो हिंदी से परीक्षाओं में बैठे। संस्कृत भी एक लोकप्रिय विषय रहा है, जिनकी संस्कृत में पकड़ अच्छी रही है उनसे भी बहुत सारे कैंडिडेट सफल हुए हैं। उर्दू, पाली, तेलुगु, ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं, वो अपनी पकड़ के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से आप इनमें से 22 भाषाओं में से भी किसी एक भाषा को आप ऑप्शनल भाषा के रूप में चुन सकते हैं। अब हम परीक्षा केंद्र के बारे में देखते हैं। तो इसमें हमने कुछ खास खास सेंटर के ही नाम दिए हैं। आप चूंकि सेंटर की लिस्ट बहुत बड़ी थी तो पूरे सेंटर की जानकारी के लिए जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आप रोजगार समाचार में आप अपने नियरेस्ट जो होगा उसको आप देख सकते हैं और उसको अपने जो परीक्षा केंद्र, उसमें ऑप्शन मांगा जाता है कि इस परीक्षा केंद्र पर आप अपेयर होना चाहते हैं, तो वो आप उसमें दे सकते हैं। यूपी के जो हैं वो हमने सारे इसमें दिए हैं और उनको हाईलाइट किया, जैसे गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा केंद्र प्री के लिए बनाए जाते हैं वो गोरखपुर है, वाराणसी यानी बनारस है, आगरा है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, इसके अलावा प्रयागराज, इलाहाबाद और लखनऊ, अलीगढ़। इतने सेंटर 1, 2, 3, 5, 1, 6, 7 और 1, 8 8 ये सेंटर हैं जो उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं और बाकी अलग अलग स्टेटों में कुछ ऐसे चुने हुए जगहों पर बड़े बड़े शहरों में इसके सेंटर बनाए जाते हैं प्री परीक्षा के लिए। तो आप अपने निकट शहर को चुनाव कर सकते हैं और प्री परीक्षा एक ही दिन में होती है, एक दिन में दोनों पेपर हो जाते हैं, तो उस हिसाब से मई के महीने में जाके हमें परीक्षा देनी होती है। इसके बाद जब मेंस का पेपर होता है तो वहाँ पर परीक्षा केंद्र थोड़ा कम कर दिए जाते हैं, चुने हुए केंद्रों पर ही परीक्षाएं होती हैं। तो आइए हम मेंस का जो परीक्षा केंद्र है उनको देखते हैं। मेंस के लिए यूपी में केवल दो ही सेंटर बनते हैं, एक है इलाहाबाद यानी प्रयागराज और दूसरा लखनऊ। इन्हीं दो में मेंस की परीक्षा आपको जाके देनी होती है। इसके अलावा दिल्ली सेंटर बनता है, दिल्ली में हम दे सकते हैं
और अलग अलग प्रदेशों की जो राजधानियां हैं लगभग में, वहाँ भी ये सेंटर बनाए जाते हैं। जैसे अहमदाबाद है, पटना है, ऐजवाल है, दिसपुर है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, रायपुर, भोपाल, जयपुर, रांची, चंडीगढ़, जम्मू, शिलांग, चेन्नई, कोलकाता, शिमला, कटक, तिरुवनंतपुरम, देहरादून, मुंबई, विजयवाड़ा। तो ये सारे केंद्र हैं जहाँ पर हम जो है इसके सेंटर बनाए जाते हैं। तो सिविल सर्विस परीक्षा के बारे में ये रही कुछ खास जानकारियाँ। इसके बारे में तैयारी कैसे करें, सबका सिलेबस क्या है, किस परीक्षा में क्या क्या आता है, इसको हम अगली सीरीज में देखेंगे। और इस वीडियो को आप जो अपने परिवार के बच्चे हैं उनको शेयर करें, उनको दिखाएं, खासकर जो इंटर परीक्षा उत्तीर्ण करके बीए बीएससी या स्नातक में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि शुरू में ही इस परीक्षा की रणनीति बनाने से एक बेहतर रिजल्ट मिलता है। साथ ही साथ अगर आप स्नातक कर चुके हैं, पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, तो भी आप इसको इस वीडियो के हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं। और एक सुझाव ये भी रहेगा कि इस परीक्षा में हमें पीजी के बाद ही कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसको पूरा करने के बाद ही इसमें लगना चाहिए, ताकि हमारा शैक्षणिक स्तर अच्छा बना रहे और जो भी हम मेहनत करके गेन कर रहे हैं उसका उपयोग दूसरे एग्जाम में भी हो सके। तो ऐसा है कि ये जो है आपके लिए, हाँ ये है कि शुरू में ही अगर हम रणनीति बना के और अपनी डिग्री भी लेते रहते हैं उसी हिसाब से पार्ट टाइम इसकी तैयारी भी करते रहते हैं, तो हमें आगे जब हम परीक्षा में अपीयर होने को आते हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगता, और हम चूँकि तैयारी पहले ही अपनी पूरी किए रहते हैं तो बड़े शीघ्र ही हमें इसमें सफलता मिल जाती है। तो आशा है कि ये आपको अच्छा आपको पसंद आया होगा। इससे संबंधित अगर कुछ और आप जानना चाहते हैं तो हमारे ईमेल आईडी पर आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, या इस वीडियो के चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ कमेंट कर सकते हैं, तो यथासंभव उसकी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद।